दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों से जिस चीज की मांग कर रहे थे आखिरकार वो मिल गई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था, ऐसे में उन्हें इंसुलिन दी गई। बताया गया कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। बता दें कि एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को खत लिखकर इंसुलिन की मांग की थी। वहीं तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कहा कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में कम खुराक वाली इंसुलिन दी गई। कल उनका शुगर लेवल 217 था। एम्स टीम ने कहा कि स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की सुई देने पर सौरभ भारद्वाज ने खुशी जताई और कहा कि पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। वो इंसुलिन की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है, वो बार बार कह रहे हैं। उनको इंसुलिन नहीं दी गई, कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अब इंसुलिन दी गई है, कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में एक हफ्ते तक बहस होती है तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अगर इंसुलिन की जरूरत नहीं थी तो अब इंसुलिन आपने क्यों दी? क्योंकि एम्स ने के डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट था ही नहीं। आप झूठ बोल रहे थे पूरी दिल्ली से, पूरे देश से, कि आपके पास इंसुलिन दे ना दे इसको तय करने का डायबिटीज का स्पेशलिस्ट आपके पास था ही नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद जब एम्स से स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा तो आपने उनको इंसुलिन दी। कल तक आप एक और झूठ बोल रहे थे कि नहीं जी, एम्स ने भी नहीं कहा कि इंसुलिन दी जाए। अगर किसी ने भी नहीं कहा तो और आप इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? आज बहुत बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया है।